सशक्त सुरक्षा बैंक को मिल रही सराहना। जिला औषधि विक्रेता कल्याण संघ ने भेंट किए 414 पैकेट सैनिटरी पैड के। नमस्कार मित्रों, मैं हूं तनवीर सिंह सोलंकी, आप देख रहे खोजी खजाना न्यूज। जो दर्शक हमसे भी नए जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि हम आपकी ला सके देश दुनिया की तमाम खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। खबर है बैतूल जिले से। जिले में 22 सितंबर 2019 को डॉटर्स डे के अवसर पर प्रदेश का पहला सैनिटरी पैड बैंक बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति ने प्रारंभ किया, जिसके बाद स्कूल, गांव और शहर के वार्डों में सैनिटरी पैड बैंक खुलने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। हाल ही में कोतवाली थाना भी प्रदेश का पहला ऐसा थाना बन गया जहाँ पैड बैंक संचालित होने लगा है। मासिक धर्म जैसे संवेदनशील विषय पर महिलाओं, किशोरियों को जागरूक करते हुए उन्हें पैड बैंक के माध्यम से सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता के सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के अभियान में जुटी बैतूल सांस्कृतिक सेवा समिति की मदद के लिए अब जिला औषधि विक्रेता संघ ने भी अपने कदम बढ़ाए। जिला औषधि विक्रेता कल्याण संघ द्वारा समिति को 414 पैकेट भेंट किए गए ताकि ग्रामीण अंचलों में इस सुविधा को प्रारंभ किया जा सके। जिला औषधि विक्रेता कल्याण संघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह साहनी, सचिव राम प्रकाश गुंदरानी, कोषाध्यक्ष सुनील सलूजा, वरिष्ठ सदस्य राजेश मेहता, जयदेव गायकी, पराग राठौर, राहुल गुंगनानी सहित अन्य सदस्य द्वारा सशक्त सुरक्षा बैंक की संस्थापक गौरी बालापुरे पदम, कोषाध्यक्ष जमुना पंडाग्रे, सदस्य लीना देशकर को सैनिटरी पैड सौंपे और बालिकाओं के स्वस्थ हाइजीन और जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। औषधि संघ के माध्यम से खुलेंगे 3 पैड बैंक। औषधि संघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह सहानी ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में महिलाओं एवं किशोरियों को जागरूक करने के लिए सशक्त सुरक्षा पैड बैंक की पहल सराहनीय है। संस्था अध्यक्ष गौरी पदम ने बताया कि जिला औषधि विक्रेता कल्याण संघ द्वारा प्राप्त सैनिटरी पैड से संघ के माध्यम से ग्रामीण अंचलों की शालाओं या फिर ग्राम में सशक्त सुरक्षा पैड बैंक की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि मासिक धर्म को लेकर जिले के ग्रामीण अंचलों में ही नहीं अपितु शहरी क्षेत्र की महिलाओं में भी कई तरह की भ्रांतियां व्याप्त है। कई ऐसे गांव है जहां आज भी परंपरागत साधनों का उपयोग मासिक धर्म के दिनों में किया जाता है। उन दिनों में बालिकाएं और महिलाएं असहनीय पीड़ा के दौर से गुजरती है, फिर भी भारी काम करती है और जमीन पर सोती है। जागरूकता अभियान में पैड बैंक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ महिलाओं को सेहत का ध्यान रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि औषधि विक्रेता कल्याण संघ के माध्यम से 414 पैकेट पैड की मदद बड़ी मदद है। जल्द ही संस्था द्वारा 3 ग्रामों का चयन कर यहां औषधि संघ के नाम से 3 पैड बैंक खोले जाएंगे। समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ने औषधि विक्रेता कल्याण संघ के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। आशा है आपको खबर पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।